दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर रवि शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों लिगामेंट की चोटों के बारे में जब भी पेशेंट को कोई बोलता है कि भाई तेरा तो ऑपरेशन होगा तो एकदम से वो टेंशन में और डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि ऑपरेशन शब्द इतना डरावना है, आदमी को लगता है यार पता नहीं कैसे तो चीरा फाड़ी होगी, कितना दर्द होगा, कितनी दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब मेरे पास वो लोग आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है, उनको लगता है कि यहाँ पर तो 100% मैं सही हो ही जाऊंगा। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो कम से कम 10 से 15 जगह जा चुके थे, बार बार ऑपरेशन को कैंसिल भी कराते थे, फिर फाइनली इन्होंने अब करा लिया है। आप जानते हैं कि क्यों ये कैंसिल कराते थे, क्यों इन्होंने इस बार कराया और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन। अर्जुन आप कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर। और आपको लिगामेंट की चोट कब लग गई थी? बैठ जाइएगा। 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को जब आपको चोट लगी थी तो आपको, आपने काफी सारी जगह दिखाया था, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे थे ऑपरेशन को लेके? कन्विंसिंग नहीं थे डॉक्टर्स और मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम लगेगा इसमें बहुत ज्यादा। वैसे भी आप डरे हुए थे कि पता नहीं एसीएल की रिकवरी में कितना टाइम लग जाएगा। फिर आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? इंटरनेट। तो बेटा आपने इंटरनेट पे कैसे ट्रस्ट किया? आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी को मैं पर्सनली जानता हूँ उसके जांच जाऊंगा और ऐसे नहीं? काफी जगह रिव्यूज पढ़े मैंने, फिर मैं पर्सनली आके मिल लिया था। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर? क्या चीज आपको अच्छी लग रही थी हमारे वहाँ पे? आपके वहाँ पे प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, आपने मेरे को समझाया था बैठा के कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा ऑपरेशन, तो आपके सारे डाउट क्लियर हुए। आपको ऑपरेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितना दर्द होता है इस ऑपरेशन के अंदर? बिल्कुल दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता। अगर आप 1 से 10 की स्केल पे बात करो, 1 का मतलब सबसे कम दर्द है और 10 का मतलब सबसे ज्यादा, तो कितना आपको बोलता है इसमें? 0.0 है, ठीक है। और ऑपरेशन के वक्त मैंने आपको दिखाया था जो आपका ग्राफ बना था, उस दिन के मेनिस्कस में भी थोड़ा बहुत टीयर था, तो उसको भी हमने रिपेयर किया है, क्योंकि आपको पता है हम मेनिस्कस को कभी काटते नहीं है, हमेशा रिपेयर करते हैं। तो अर्जुन मैं आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ जो आने वाले 2 महीने तक अपने को जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको क्या है कि जो स्टिचेज है वो 17 दिन के बाद निकलवाने हैं, 17 दिन के बाद आप मेरे पास आ सकते हो या फिर अपने नियर बाई कहीं पर भी निकलवा सकते हो। तब तक इस पैर को आपको प्लास्टिक रैप करके ही नहाना है, इसको गीला नहीं करना है। अभी जो हम दवाइयाँ आपको देंगे वो 16 से 17 दिन आपको दवाइयाँ लेनी है, जिसमें पेन किलर्स होंगी, एंटीबायोटिक्स होंगी, बी कॉम्प्लेक्स होगी और एसिडिटी की टैबलेट्स होगी, ठीक है। वो जरूरी दवाइयां हैं, उसमें कई लोग ये सोचते हैं कि पेन किलर मैं स्किप कर दूं या मैं ज्यादा दवाइयों के साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन ये 15 दिन की दवाइयां तो मस्ट है, आपको लेनी ही है ना। कुछ भी इशू आता है, ये जो हमने ड्रेसिंग है वो कर दी है, इसमें अगर ड्रेसिंग में कोई ब्लड स्पॉट दिखता है या कुछ स्वेलिंग बढ़ती है, कुछ भी अजीब सा आपको फील होता है, तो आपको तुरंत मुझे अपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना है या मुझे पर्सनली कॉल करना है। जो बेसिक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा। एक एंकल को अप एंड डाउन करना है, अप डाउन एक एक्सरसाइज ये है। एक नी को नीचे प्रेस करना है, देखो प्रेस करो ताकि नी के नीचे कोई गैप नहीं रहे, ठीक है। नी को नीचे प्रेस करना है, 10 तक काउंट करना है, रिलैक्स बैठ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला, फिर दबाना है, ऐसे 10 तक काउंट करना है। ऐसा दिन में 50-60 बार आपको घुटने को टाइट करना है और फिर ढीला छोड़ना है, 10 सेकेंड होल्ड करके। थाइस के नीचे दोनों हाथ लगाओ, धीरे 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 करके आपको पैर को मोड़ना है, पैसे आज इतना, कल इतना, परसों इतना, उसके दिन बाद इतना, ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। और अपना जो टारगेट है वो ये 45 से 50 डेज में या 60 डेज में पैर मोड़ना है। कई लोग गलती ये करते हैं कि जल्दीबाजी में पैर मोड़ देते हैं, उससे लिगामेंट पे जोर पड़ सकता है। तो आपका जो 30 डिग्री 90 डिग्री है वो कम से कम 1 महीने में आना चाहिए, उसके पहले नहीं आना चाहिए। अगर आप इतना पैर मोड़ लेते हो तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, धीरे 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 करके मोड़ना है, पैर मोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। नी ब्रेस को अपन लगा लेते हैं, सोते वक्त आपको नी ब्रेस लगाना है, चलते वक्त आपको नी ब्रेस लगाना है। जब आप टीवी देख रहे हो कंफर्टेबली बेड पे लेटे हुए हो तो आप नी ब्रेस खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप रात को सोते हो तो पैर इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए अपने को नी ब्रेस लगाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट लगाने की जरूरत नहीं, जैसे जेंटल है बस आपको लगा के रखना है। चलते वक्त आपको वॉकर यूज़ करना है 15 से 20 दिन तक बाद में, क्योंकि आपके मेनिस्कस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप 15 दिन बाद वेट रख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट रखना है, यानी 20 दिन बाद वॉकर आपको छोड़ देना है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो? नहीं, लेट जाओ एक बार, पैर को स्ट्रेट ऊंचा उठाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे कर लो। ऐसे आपको दिन में 20-25 बार पैर बेंड करना है, 20-25 बार एंकल अप डाउन करना है, 20-25 बार पैर मोड़ना है और 20-25 बार नी ब्रेस पहन के पैर को उठाना है, ठीक है। वॉकर से आप चल सकते हो, जब आप टॉयलेट सीट पे जाते हो तो इंग्लिश कॉमोड आपको यूज करना है, सामने एक प्लेटफॉर्म पे आप पैर रख लेना ताकि आपके पैर को झटका नहीं लग जाए। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये बताओ कि कोई और लोग भी है जिनको कि एसीएल का प्रॉब्लम है, जो डर रहे लोग कि मैं कराऊं नहीं कराऊं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे?
तो करा लेना चाहिए, मैंने करवा लिया तो करवा लेना। आप करा सकते हो तो आपको ही करा। चलो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।